वो गर्मी में मरेगा तो नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए। किसने कहा आपको नौकरी करने के लिए? सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई ना किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। और अब हम लोग समझ सकते हैं, 70 सालों से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, वकीलों का काम अदालत का होता है, इस चुनाव को लेके नामांकन के फॉर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए वो फॉर्म का निर्माण किया जाता है। वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। जैसे कहें तो 7 तारीख को एक भी हवलदार, चौकीदार या प्रशासन का कोई भी अधिकारी, ये जो टिकट की वितरण हो रही थी, हजारों हजार की भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई ना किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। तब मैं यहाँ पे देखा भीड़ और मैंने वीडियो बनाया, सरकार की आलोचना की, प्रशासन की आलोचना की, कुछ झूं रूंग मतलब कानों में जाके रेंगी है प्रशासन को, मधुबनी जिला के प्रशासन को। तो आज कुछ हवलदार, चौकीदार जो भी हैं इनके, वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक की दुर्दशा मैं आपको अब दिखाता हूं। इस भीड़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ मैं फिर से याद दिला रहा हूं, भारत सरकार कहती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन वही प्रशासन के लोग आराम फरमाते हैं और उनकी नजर के सामने इस काउंटर से 100 रुपए का टिकट 300 रुपए 400 रुपए के अंदर खुलेआम ब्लैक हो रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों के हजार मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि यहां मधुबनी में खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, और प्रशासन के लोग यहां बैठ के, देखिए ये अपनी ड्यूटी यहां पे साइड में निभा रहे हैं, मैं इनको दिखाता हूं, ये साइड में है। इनका काम क्या है? भीड़ को नियंत्रण करना, लेकिन ये साइड में अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ श्रीमान आपका? क्या नाम हुआ? तो ड्यूटी यहाँ पे निभाएंगे कि वहाँ पे निभाएंगे आप? वो गर्मी में मरेगा तो नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए। किसने कहा आपको नौकरी करने के लिए? मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, तीनों आदमी को एक साथ प्यास लग गया। आधे घंटे से आप नहीं है, अब भी हम गेस्ट गए हैं यहाँ। तो तीनों को एक साथ प्यास लग गया आपको? तीनों नहीं, वो नहीं था, वो भी तो सब गया है। सर जिसको कह रहे हैं उसको कहिए ना जो 2 काउंटर करवा दें। 2 काउंटर तो चल ही रहा है, 2 काउंटर हो जाए और एक बार एडीसी। देखिए हल्ला, देखिए ये, देखिए ये 2 नंबर तरीके से काउंटर पे टिकट वितरण हो रहा है, उसी का है। और महिलाओं के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का हाल दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारी माता बहने कैसे भीड़ में, जेंट्स के भी उसी वही काउंटर है और महिलाओं का भी वही काउंटर है। ये है सुशासन बाबू की कहे तो सरकार का नजारा आप देख सकते हैं। वकील साहिबा भी इसी में लगी हुई हैं, महिला है, और जो कि होना ये चाहिए, वकीलों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। 365 दिन वकीलों का काम अदालत का होता है, इस चुनाव को लेके कोर्ट का काम भी बाधित हो रहा है, ये सरकार की व्यवस्था करने का काम है। देखिए जरा भीड़ का नजारा देखें, यहाँ कुछ जागरूक हुए हैं प्रशासन के लोग। लेकिन जहां तक 2 गज की दूरी की बात है, तो ये 2 गज की दूरी आप सब देख सकते हैं कैसा है हाल। ये देखिए भीड़ में किस कदर से लोग धूप के अंदर कितने घंटे से, चाचा आप लगे हुए हैं, और
अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। 3:04 3:04 हो गया है, लेकिन प्रशासन या जो भी कहे सरकारी व्यवस्थाएं कि कैसी पोल खुलती है, किस तरीके से सरकार का सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप है सिस्टम, इसी की मैं आवाज उठाता हूं। और हम लोग समझ सकते हैं, 70 सालों से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, 70 सालों से चुनाव हो रहा है, हर चुनाव के बाद जनता के लिए या यूं कहें कैंडिडेट के लिए एक नई परेशानी खड़ा करता है चुनाव आयोग। जितनी बार नामांकन के फॉर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए वो फॉर्म का निर्माण किया जाता है। और सबक हम लोग क्या लेते हैं 70 सालों में, मैं पूछता हूं, निर्वाचन आयोग ने क्या सबक लिया, आम जनता को क्या राहत देने का काम किया, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे यहां बिहार में कहें तो नीतीश की हो, आम जनता को फायदा क्या दे रही है ये सरकार, क्या जानवर समझती है इस देश की जनता को, यहाँ के नेता लोग, प्रशासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग देश की जनता को क्या जानवर समझते हैं? एक एसपी की गाड़ी निकल जाती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारा महकमा पीछे पीछे घूमता है, लेकिन आम जनता के लिए मर जाए, कट जाए, बेहोश हो जाए, उसकी व्यवस्था कराने में प्रशासन के लोग, सरकार के लोग पूरी तरह से असफल रहते हैं। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।